Hello everyone, so welcome to my channel in Glam Beauties. Myself Khushbu Singh and I hope you all are doing well. आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए चौड़े पट्टे वाली बॉर्डर की साड़ी लेकर आई हूँ जिसको मैं परफेक्टली ड्रेप करना सिखाऊंगी. और बहुत सारे लोग ना ऐसे चौड़ी पट्टी वाली जो बॉर्डर होती है उनको अवॉइड करते हैं पहनना, क्योंकि उनको लगता है ना कि ऐसी साड़ियाँ उन पर काफ़ी ज़्यादा ही हेवी लगती हैं और वो मोटी लगती हैं. तो देखिए, आप ना साड़ी ऐसा चुनिए, उसका फैब्रिक ऐसा चुनिए कि आप उसमें मोटे ना लगो. तो आज की जो फैब्रिक है साड़ी की वो विचित्रा सिल्क की है. चलिए इसको पहनने से पहले मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर कर लेती हूँ. देखिए, मैं कभी भी ना अपने पेट को ज़्यादा एक्सपोज नहीं करती हूँ. यहाँ पे मेरी जो ब्लाउज़ है उसका लेंथ मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, इसलिए मैंने पेटीकोट को अपनी नेवल से थोड़ा सा ऊपर की तरफ चढ़ा दिया है. और पेटीकोट के लिए मैंने शेप वियर वाला पेटीकोट पहना है. ये ना आपको काफ़ी अच्छे से शेप में रखती है. और अगर आपका मान लीजिए कहीं पर बल्गी है, कमर आपका काफ़ी बल्गी है, तो उसको भी ये शेप में ला देता है. तो इसीलिए आप शेप वियर यूज़ कर सकती हैं. और यहाँ पर मैं पेट को हाइड करने के लिए टमी टकर का इस्तेमाल करती हूँ. अगर आप लोगों को नहीं पता टमी टकर क्या होता है, तो अगर आप चाहोगे कि मैं इस पर सेपरेट वीडियो बनाऊँ तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करना. तो अगर बॉर्डर आपका हेवी है ना नीचे की तरफ, तो आप जब अपनी बेसिक राउंड लगाओगे तो आपको क्या करना है कि फैब्रिक को एक बार घुमा लेना है और राइट की साइड पे उसको ट्विस्ट करना है. प्रॉपर नॉट नहीं बनाना है. नॉट अगर आप बनाओगे तो कमर के पास वो फूला फूला सा दिखेगा, इसीलिए प्रॉपर नॉट नहीं बनाना है. केवल फैब्रिक ट्विस्ट करके आपको इसको टक कर देना है. नीचे की तरफ लेंथ आप देख लीजिएगा कि आपको कितना सरफेस तक लेंथ रखना है. इतना भी मत रखिएगा कि वो आपकी चलने में प्रॉब्लम करने लगे, तो इसीलिए इतना ही रखिए कि आप चलने फिरने के लिए उसमें कंफर्टेबल रहें. अब हमें अपने पल्लू का पार्ट को पीछे की साइड से घुमाना है और रफली गैदर करना है. अभी आप इसका झंझट बिल्कुल मत लीजिए कि आपको अपनी कंधे की प्लीट को भी सेट करना है. अभी हमें इसको रफली अरेंज करना है और फिर कंधे पे रखकर इसका ना हमें देखना है कि पल्लू हमें कितना लॉन्ग चाहिए. तो यहाँ पे बल्लू मैं हमेशा अपने घुटने से नीचे तक रखती हूँ. और अगर आपकी हाइट छोटी है तो आप एक बिल्कुल इसको गांठ बांध लीजिए कि आप पल्लू कभी भी छोटी नहीं लेंगी. पल्लू छोटी लेने से ना वो आपकी हाइट को और भी ज़्यादा दबा देती है, तो इसीलिए लॉन्ग पल्लू लीजिए ताकि आपका अपीयरेंस थोड़ा सा टॉल दिखे. अब हमें क्या करना है कि इस तरीके से लाना है फैब्रिक को, और सामने की तरफ अब जो जितना सेंटर प्लीट बनाने के लिए बचा है ना फैब्रिक, उसको हमें सेंटर प्लीट में अरेंज करना है. लेकिन उससे पहले भी हम एक स्टेप करेंगे जिसमें कि हमें क्या करना है, कमर के पास फैब्रिक को हमें कुछ इस तरीके से मेज़र करना होगा. मेज़र की हुई जो पॉइंट है हमारी, वहाँ पे हमें एक सेफ्टी पिन इस्तेमाल करना है. अब यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि या तो आप मोतियों वाली सेफ्टी पिन यूज़ कीजिए या फिर आप अपनी नॉर्मल सेफ्टी पिन में एक मोती डालकर उसका इस्तेमाल कीजिए. अब देखिए, साड़ी पहनते वक्त मोती कौन ही ढूंढने जाए, है ना. तो आप क्या कर सकते हो कि एक और भी ऑप्शन है आपके पास, आप चाहो तो कागज़ का एक टुकड़ा लेकर उसको चार बार फोल्ड करके और फिर अपने पिन में इंसर्ट कर सकते हो. चलिए, इतनी चीज़ें जब हो जाती हैं तो उसके बाद हमें अब अपना सेंटर प्लीट बनाना है. सेंटर प्लीट बनाने के लिए मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में बहुत सारे सिंपल इजी ट्रिक्स बताए हैं. अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता होगा, लेकिन चलिए आज मैं आपको थोड़ा सा अलग ही तरीका सिखाती हूँ. और इस बार मैं आपको अपनी राइट साइड से प्लीट अरेंज करना सिखाऊंगी. इसमें क्या करना है, अपनी फैब्रिक को आपको अपने फैब्रिक पे राइट हैंड को सेट करना है कुछ इस तरीके से कि आपकी दो उंगलियाँ आगे की तरफ रहें और तीन उंगलियाँ जो बाकी हैं वो थोड़ा सा डिस्टेंस रखकर पीछे की तरफ हो जाए. अब आपको बारी बारी से यहाँ पे फैब्रिक को जिगजैग मूव करके इसको अरेंज करते हुए चलना है. अब देखिए, पिन वाला जो जगह है ना उसको हमें प्लीट में अरेंज नहीं करना है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा. पिन और प्लीट्स के बीच में थोड़ा सा गैप रहना चाहिए. ये गैप मेंटेन करने के बाद हमें हर एक प्लीट के बीच में एक छोटा सा गैप रखना है ताकि कोई भी प्लीट अंदर की तरफ दबी ना रह जाए, हर एक प्लीट बाहर की तरफ अच्छे से दिखनी चाहिए. उसके बाद अब जो पिन वाला हमारा हिस्सा है ना, हम राइट का फर्स्ट प्लीट को प्रॉपरली टक नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें अपने कमर वाली फैब्रिक सेट करनी है, जिसके लिए हम अपनी पिन वाली फैब्रिक को इस तरीके से प्लीट के नीचे से ले जाते हुए बाहर की तरफ निकालेंगे. अब आप बोलोगे कि हम तो इसको बिना पिन के भी कर सकते थे, लेकिन आपने पिन क्यों यूज़ किया है. तो देखिए, कई लोगों की ऐसी शिकायतें आ रही थी कि ऐसे जब हम फैब्रिक को टक करते हैं बिना कुछ यूज़ किए तो हमारा फैब्रिक बाद में चलकर ना लूज़ हो जाता है. तो अगर आप अपने साथ एक सेफ्टी पिन लगा कर रखेंगी तो ये पिन जो रहेगा वो आपकी फैब्रिक को लूज़ होने से कहीं ना कहीं रोक कर रखेगा.
तो इसीलिए आप पिन का इस्तेमाल कीजिए, आपके साथ ये प्रॉब्लम दोबारा नहीं होगी। और अब जो एक्स्ट्रा आपका फैब्रिक बच जाता है उसको आप वहीं पे सिक्योर कर दीजिए। चलिए अब हम ना बहुत 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 इजी ट्रिक सीखेंगे अपनी कंधे की जो ये प्लीट है उसको अरेंज करने का तरीका। तो इसमें क्या करना है ना कि देखिए, कई लोग बोलते हैं कि बॉर्डर की साड़ी में हम मोटे लगते हैं या फिर हमारा अपीयरेंस अच्छा नहीं लगता है। तो आप अपने मोटे बॉर्डर को कुछ इस तरीके से सेट कीजिए। पहले तो आप ऊपर वाला बॉर्डर ना अपनी बस्ट के ऊपर रखिए और बिल्कुल कॉर्नर पर पिन लगाइए। ये पिन हमने कॉर्नर पर पता है क्यों लगाया है? ताकि हमारा जो सामने वाला पोर्शन है ना वो बिल्कुल अच्छे से हाइड हो जाए। क्योंकि कई बार मैंने खुद ही देखा है कि बहुत सारी लेडीज़ ऐसे लेती हैं अपने कंधे की पल्लू को कि एक साइड का उनका जो बस्ट होता है वो बिल्कुल एक्सपोज होता रहता है। तो इसीलिए ऐसा मत कीजिएगा, वो अच्छा नहीं लगता है देखने से, बहुत वल्गर लगता है। तो इसीलिए आप थोड़ा सा अगर सभ्य तरीके से साड़ी पहनना चाहती हैं तो आप इस तरीके से पिन लगाइए। और उसके बाद आप अपनी प्लीट को ना कुछ ऐसे सेट करने की कोशिश कीजिए। केवल आपको अपनी दो उंगलियों का सपोर्ट लेना है और उसके बाद इसको ज़िगज़ैग मूव करते हुए इसको सेट कर लेना है। जैसे ही आपकी पूरी की पूरी प्लीट सेट हो जाती है, आप इसको ना हल्के हल्के से ऊपर की तरफ बढ़ाते हुए थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे इसको एज इट इज़ ही पकड़ने की कोशिश कीजिए। तो ऐसा हमें ना बिल्कुल एंड तक करना है, जहाँ पे हमने पिन लगाया है ना उस हिस्से को भी हमें पकड़ना है। तो ये आपका तभी पॉसिबल होगा जब छोटे छोटे स्टेप लेकर आप इसको आगे की तरफ बढ़ेंगी। तो जैसे ही आप एंड के पास पहुंचोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आपको आपकी फैब्रिक टाइट हो रही है या नहीं। देखिए, फैब्रिक हमें टाइट करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका जो कमर वाला पोर्शन है वो आपका टाइट हो पाएगा और तभी आपकी जो पूरी अपीयरेंस होगी वो कहीं ना कहीं आपको अट्रैक्टिव लुक देगी। तो साड़ी को हम वल्गर तरीके से बिना पहने हुए भी अट्रैक्टिव दिख सकते हैं। तो आप देख लीजिए, ये जैसे ही टाइट यहाँ पे होती है, अब हमें अपना पिन लगाना है। पिन कैसे लगाना है बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो आपको क्या करना है, नॉर्मल कोई सी भी सेफ्टी पिन ले लेना है और उसके बाद आपको ना जहाँ पे पिन लगाना है वहाँ पे आपको पहले तो अपना अंगूठा रखना है। अंगूठा जैसे आप रखोगे वैसे ही आपको पकड़ लेना है अपना प्लीट और आपका ब्लाउज को हल्का सा पलटना है और फिर आपको वहाँ पे सेफ्टी पिन यूज़ करना है, जहाँ पे आपका बिल्कुल एग्जैक्टली कंधे पे नहीं, कंधे से हल्का सा नीचे की तरफ यूज़ करना है। जैसे कि आप देख सकते हो मेरी ब्लाउज़ में डोरी लगी हुई थी, तो मैं डोरी के बिल्कुल नीचे ही पिन मैंने यूज़ किया है। अब आपको हल्की सी थोड़ी सी सेटिंग कर लेनी है यहाँ पे, एंड देन आपका जो ड्रेपिंग होगा वो कम्प्लीट हो जाएगा। तो आप ना अपने चौड़े बॉर्डर पे भी बहुत स्लिम लग सकते हो, बहुत अट्रैक्टिव लग सकते हो, बस पहनने का तरीका आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे आप पूरी ये देख सकते हो लुक कि किस तरीके से आपकी ड्रेपिंग कंप्लीट होगी। सो आई होप आज की वीडियो आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो आप लाइक के बटन को हिट कर सकते हो और चैनल पे आप न्यू आए हो तो ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए रेड कलर की जो सब्सक्राइब की बटन है इस वीडियो के नीचे, आपको वो हिट करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। मैं मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।